बिहार में रहता हूं, वहां का फाउंडर सेक्रेटरी था और उसके बाद में प्रेसिडेंट रहा हूं काफी साल थे, और दिल्ली गवर्नमेंट की जो भागीदारी स्कीम है उसका भी मैं फाउंडर मेंबर हूं, और मैंने ही वो आई एम कैटलिस्ट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दो साल पहले मेरी वाइफ और हम दोनों बैठे चाय पी रहे थे, बरसात हो रही थी, और उसके बाद में उस समय हमारी वाइफ ने ये हमको बताया कि आज बरसात हो रही है, बरसात के बाद में ये जो हमारी कॉलोनी में कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं वो सब के सब गीले हो गए होंगे, उनको निकालने में बड़ी आसानी होगी, तो आओ आज जाके उनको सफाई करते हैं। और हम दोनों बरसात खत्म होते ही निकल पड़े और पूरी अपनी कॉलोनी के जितने भी पोस्टर्स हम निकाल पाए ज्यादा अधिकतर हमने वो निकाल दिए। इस तरह से एक दो दफे हमने और किया और हमारी कॉलोनी साफ हो गई, बात खत्म हो गई। 2009 में बरसात में इसी तरह से आई, लास्ट ईयर हमने बेटे के पास हौसकास एनक्लेव में रह रहे थे, फिर वही बात शुरू हुई। तो मैंने कहा ये तो ठीक है हम यहाँ पे हौसकास एनक्लेव में निकाल दें, लेकिन ये तो पूरी दिल्ली को साफ होना चाहिए। हमने फिर कमिश्नर साहब मिस्टर एस के मेहरा साहब से बात की, उन्होंने हमको बुलाया और अपने जो एडवर्टीजमेंट के इंचार्ज जैसे अभी बी एन सिंह साहब हैं, अमी या चंद्रा साहब थे, उनको बुलाया और मिलकर के हमने एक योजना बनाई और 24 अगस्त को पहली दफा पूरे 12 जोन जो एमसीडी के हैं उसमें एक इंस्पेक्टर के अंडर में एक टीम लेकर के हमने ये कोशिश करी कि हम जितनी भी दिल्ली हैं वहां के पोस्टर्स निकालें। साउथ दिल्ली के अंदर मैं एक टीम के साथ 2 घंटे मालवीय नगर में था, उस 2 घंटे में हम सिर्फ मालवीय नगर के छोटे से एक आधा किलोमीटर के मार्केट को ही साफ कर पाए। उसको देख करके मेरे को ये ध्यान में आया कि ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो जितना आसान और जितना सिंपल मैंने सोचा था वो नहीं है, और इसमें जब तक कि पूरे हमारी दिल्ली की जनता ना लगे ये कोई भी नहीं कर सकता। आप ये सोचिए कि कम से कम भी नहीं तो 1 करोड़ से ज्यादा हमारी दिल्ली में ये होंगे, और अगर एक बैनर को या एक पोस्टर को लगाने में 5 मिनट के करीब लगते हैं तो 1 लाख मैन डेज चाहिए, ना वो किसी गवर्नमेंट के पास है इतना टाइम, ना किसी प्राइवेट के पास है। लेकिन अगर पूरी दिल्ली के 1 करोड़ बंदे एक एक पोस्टर भी निकालें तो 5 मिनट में सारी दिल्ली साफ हो जाएगी। उसके बाद में फिर हमने इनको स्टडी किया और उसके देखा कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मैंने देखा कि एक दिन में तो ये काम हो नहीं सकता है। तो उसके बाद में हर महीने कमिश्नर साहब जो है मेरे को हेल्प करते और हम पूरे जोन के अंदर से फिर इसी तरीके से अभियान करते। फिर मैंने कहा कि लोगों तक कैसे पहुंचना चाहिए, तो कुछ स्टडी किया, कुछ देखा, पुलिस कमिश्नर साहब से मैंने बात करी और उनको ईमेल भेजा और उन्होंने उस बात को सहारा कि जितने भी ये पोस्टर्स अधिकतर लगते हैं, बैनर्स लगते हैं, वो रात को लगते हैं। तो मैंने कहा जो भी आपके बीट कांस्टेबल्स हैं पुलिस के उनको अगर आप ये बताएं, और जो भी पीसीआर वैन्स हैं उनको आप ये बताएं कि भैया इस तरह से रात को जो लगाते हैं इस तरह उनको पकड़ो और उनको बताओ कि ना ही लगाएं, तो शायद भी कम हो जाए। तो उन्होंने सारे ऐसे चोज को जो मेरी ईमेल है वो फॉरवर्ड कर दी और मेरे हिसाब से वो सब लोगों को इस बात का ज्ञान हो चुका है। कम हुए कि नहीं पोस्टर्स लगना? हाँ, आपको कम हुए कि नहीं? कम हुए, लेकिन मैं उसको बताता हूँ ना उसका असर क्या पड़ता है। लॉ तो बन जाता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि लॉ तो मालूम है कि सड़क के ऊपर क्रॉसिंग के ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन रोजाना क्रॉस करते हैं। तो टाइम लगता है लोगों को करने के लिए और समझने के लिए कि ये क्या बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि पूरी दिल्ली में हर जगह जो RWAs हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या मार्केट ट्रेड एसोसिएशन हैं, वो सबने चौकीदार रखे हुए हैं। उन चौकीदारों को भी अगर इस तरीके से बताया जाए कि भाई तुम लोगों को लगने नहीं दो। अब मैं गया इस जगह पोस्टर लगा हुआ था, सामने चौकीदार खड़ा हुआ था, मैंने चौकीदार को पूछा इनका भाई ये तुमने रात को लगा दिया, कल तो था नहीं? कहले हाँ जी साहब वो आए थे ट्रक में आए थे और ये क्या नाम लेटर लगा करके ऊपर लगा गए। तो मैंने कहा तुमने मना क्यों नहीं किया? कहते हमें किसी को मालूम ही नहीं, हम क्यों मना करें साहब, ये तो ऐसी सड़क हमारी थोड़ी है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये भी एक जागृति लोगों को बतानी है कि लोगों लगाने ना दें। जैसे आपने कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे क्यों हैं, हम ऐसे यूं हैं कि हम जो हमारे को नुकसान नहीं दे रहा तो होने दो, हमारे को नुकसान नहीं दे रहा वो होने दो। और जहां 4-5 आपने लोग देखे तो सिक्योरिटी गार्ड डर जाता है, क्योंकि उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड का भी हमने खूब शोषण किया हुआ है, उसको खूब गालियां सुनाई हुई हैं, उसको डांटा हुआ है, इतनी बुरी तरह से डांटा हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड हमारा सर्वेंट बन गया है, वो सोल्जर रहा ही नहीं। तो जब वो सोल्जर उसमें सैनिक नहीं है, हम जो ऊपर वाले लोग हैं हमें दबा देते हैं नीचे वालों को इतनी बुरी तरह से कि उनमें लड़ाई करने की क्षमता, एक रेजिस्टेंस ऑफर करने की क्षमता निकल जाती है। तो 4-5 आएंगे तो बिल्कुल मान जाएगा। सिंह साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि
ऑलरेडी पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, आपको लगा है कि पुलिस का इंटरफेरेंस इस चीज में या इन्वॉल्वमेंट इसमें और बढ़ गया है, एक्शन बढ़ गया है? क्या नंबर ऑफ पोस्टर्स जो लग रहे हैं वो कम हो गए हैं कि उतने ही हैं जितने पहले थे? किसी भी प्रकार का आउटडोर विजुअल डिस्प्ले जो अनऑथराइज्ड है उसको कैसे हैंडल करना है, उसमें अथॉरिटीज का क्या रोल है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहूंगा कि इसमें सरकार के प्रोविजंस जो वेरियस एक्ट्स के द्वारा हैं, उसमें डीएमसी एक्ट 1957 और उसका सेक्शन 142 से लेके 146 तक इसको डील करता है। इसमें 143 सेक्शन 143 इस तरह आपका ध्यान डालेंगे जिसमें बिना कमिश्नर एमसीडी के कोई भी व्यक्ति कहीं भी अनऑथराइज आउटडोर डिस्प्ले नहीं कर सकता है, कमिश्नर की परमिशन चाहिए। जी ओके, मैं अभी आपको कानून के बारे में बता रहा हूं। दूसरा, सरकार ने एक बहुत अच्छा कानून लाया 2007 में, दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2007, और ये 2009 में नोटिफाई हुआ। और इसमें कोई भी व्यक्ति अगर अनऑथराइज तरीके से पोस्टर, बैनर, बोर्ड, होर्डिंग्स शहर में लगा रहा है तो ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है, और इसमें जो सजा होगी अगर कन्विक्शन हो गया तो 1 वर्ष या 50,000 फाइन या दोनों हो सकता है। इससे पहले इतना मजबूत कानून नहीं था। और तीसरा ध्यान में आपको आपका डालना चाहूंगा कि आउटडोर एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2007 ये सुप्रीम कोर्ट में डेलिब्रेशन हुआ लगभग 10 वर्षों तक एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में के केस में। और आपको याद होगा कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने शहर में खासकर सड़कों पे जितने भी होर्डिंग्स थे उनको हटाने का आदेश दे दिए थे। उस डिबेट डिस्कशन के बाद ये पॉलिसी हमारी आई है, पॉलिसी अभी भी डिस्कशन में है, और लेकिन 2007 की पॉलिसी फाइनल हो गई है और उसमें भी प्रोविजंस हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो नगर निगम इन तीनों को ध्यान में रख के और तब इसमें रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। अच्छे पॉइंट्स बताए आपने। अभी जरा एक क्लिप देखते हैं और देखते हैं कि क्या स्टेटस है हमारी वॉल्स का। उद्वेलित होता है मन मस्तिष्क जब ऐसे दृश्य दिखते हैं सड़कों पर, दीवारों पर। हर तीज त्योहार पर्व पर घर और शहर को चमकाने वाला व्यक्ति कैसे बदरंग कर सकता है उस जगह को जो उसको हर दिन दिखाई देती है। कायदे से तो ये जमीन दीवार अधिक साफ सुथरी रखी जानी चाहिए, ये एहसास कुछ लोगों को हुआ है, इसलिए अब खुशगवार प्रयत्न दिख पड़ते हैं जिससे दिल को कुछ सांत्वना मिलती है। जो लोग पढ़े लिखे और शिक्षित हैं वही सबसे ज्यादा इस हरकत को कर रहे हैं। एक बार को अनपढ़ लोग हैं वो तो समझदार होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ जुर्माना लग सकता है, लेकिन जो लोग ज्यादा शिक्षित हैं वही लोग गलत करते हैं। क्योंकि मैं मेट्रो से बिलोंग करता हूँ, ज्यादातर लोग मेट्रो में भी उस तरह की हरकतें करते हैं जो ज्यादा शिक्षित हैं। पोस्टर तो ये साइन बोर्ड पर भी लगा देते हैं, ना उनको साइन बोर्ड पता लगेगा ना उनको पता लगेगा किधर जाना है किधर नहीं जाना, वो तो बेचारे भटकते रह जाएंगे। और यहाँ जो वाहन चालक हैं स्कूटर व थ्री व्हीलर वाले वो तो उनका और फायदा उठाएंगे। अपने मुल्क को अगर आपने ऊंचा दिखाना है दुनिया की आंखों में तो आपको अपनापन छोड़कर, अपनी लालच छोड़कर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे पोस्टर्स नहीं चिपकाने चाहिए क्योंकि यहाँ से कई लोग आते हैं तो फिर हमारे घर को देखते हैं कि गंदा है, और ऐसे नहीं करना चाहिए। पब्लिक एमिनिटीज की दिल्ली में बहुत कमी है और इसलिए यहाँ वहाँ पोस्टर लगा रहता है, पेशाब करना मना है वगैरह वगैरह, तो गवर्नेंस में भी ध्यान देना होगा, थोड़ा पब्लिक एमिनिटीज बढ़ाना होगा और सिविक सेंस की भी जरूरत है इसमें। आप ही से प्रश्न पूछता हूँ सिंह साहब, बड़ा अच्छा हमने यहाँ पर दृश्य देखा, मतलब बड़ी संजीदा प्रॉब्लम है। पहली बात कि राइटिंग्स पर राइटिंग भी काफी है वॉल पे, दूसरी बात विजुअल क्लटर बहुत है अराउंड द मार्केट प्लेसेस, तो इस पर कोई लॉ है और उस पर आप क्या कर रहे हैं? जी पवन जी, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉलिसी बनाई है आउटडोर एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2007, उसमें निश्चित रूप से कहा गया है कि एक दुकान पे एक ही बोर्ड रहेगा और जिसको सेल्फ साइनेज कहते हैं, इस बोर्ड का टोटल एरिया 2.5 स्क्वायर मीटर होगा, विड्थ 0.75 मीटर होगा और वॉल टू वॉल होगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि एक से अधिक बोर्ड लग जाते हैं। करेक्ट। कुछ लोग इसमें ब्रांडिंग के नाम पे सामने आ रहे हैं कि साहब एक शॉप
अगर कई चीजों को बेच रही है तो सभी के ब्रांड लग जाए, लेकिन इलीगल है ये। कॉरपोरेशन इसमें एक्शन ले रही है, कॉरपोरेशन ने बहुतों को नोटिस भेजा है, इसमें प्रभाव भी आ रहा है। अभी हाल में कुछ मार्केट एसोसिएशन आयुक्त दिल्ली नगर निगम के पास आई और उन्होंने कहा कि हम स्वयं इसको चेंज करना चाहते हैं, और कॉरपोरेशन ऐसे सारे इनिशिएटिव्स का स्वागत करता है, क्योंकि परिवर्तन लाना केवल कॉरपोरेशन अकेले ही स्टेक होल्डर नहीं है, जनता भी स्टेक होल्डर है, एसोसिएशन भी स्टेक होल्डर है, एनजीओ भी स्टेक होल्डर है, उनको भी सामने आना पड़ेगा। और आयुक्त नगर निगम ने इन सभी का स्वागत किया, और मुझे लगता है कि भविष्य में आप देखेंगे कुछ मार्केट प्लेसेस में एक दुकान पे एक ही बोर्ड दिखाई पड़ेगा, और उसी साइज के अनुसार जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। वेरी गुड, इसकी हमें आशा है और इंशाल्लाह ये हो। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे, आपने कहा कि एमसीडी कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर एनी पोस्टर प्लेसिंग। जी, ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट से हजारों लोग पोस्टर्स लगाना चाहते हैं और एमसीडी कमिश्नर आपके एक या दो चार लोग हो सकते हैं, तो हर आदमी अगर उनसे परमिशन लेने के लिए जाएगा तो परमिशन लेने में बड़ा टाइम लगेगा। मैं इसमें आपको ये बता दूं कि पोस्टर और बैनर दिल्ली में बैंड है। बैंड जी, और पोस्टर और बैनर नहीं लगाना चाहिए। अभी आपका जो विजुअल मैंने देखा उसमें ऐसे इंस्टीट्यूट के पोस्टर देखे जो सभी पढ़े लिखे हैं, जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं पढ़े लिखे हैं, जिनके इंटरेस्ट को पोस्टर सर्व कर रहे हैं वो सारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं। करेक्ट, और ध्यान देने की बात है कि यही पढ़े लिखे लोग जो सारे कानून को जान रहे हैं समझ रहे हैं वही पोस्टर लगा रहे हैं। तो उनके अगेंस्ट अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? पोस्टर्स की तो भरमार है, एक्शन कितना हुआ है? मैंने आपसे कहा कि कानून इतना अच्छा है कि इसमें केवल कॉरपोरेशन ही नहीं, कोई भी एनजीओ, कोई भी व्यक्ति और पुलिस स्वयं भी इसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है, और ये प्रभावी कानून है। इसलिए कॉरपोरेशन का मानना है कि इसमें उन सभी लोगों को भागीदारी करनी चाहिए जो कि शहर को स्वच्छ रखने में इंटरेस्टेड है। इसमें पुलिस का भी पॉइंट, सॉरी जी, मैं पहले ये बता दूं कि कॉरपोरेशन लगातार, कॉरपोरेशन में 12 जोन्स हैं, 12 जोन के डिप्टी कमिश्नर लगातार इसमें एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, पोस्टर्स हटा रहे हैं, बैनर हटा रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स तक शहर को बिल्कुल साफ सुथरा कर दें। इस प्रोग्राम में और पुलिस उच्च और पुलिस अधिकारी भी आए हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि पुलिस एफआईआर करने में हिचकिचाती है, क्योंकि जब एफआईआर करती है तो उसका क्राइम ग्राफ जो है उस साल का बढ़ने लगता है। सो आपने पाया है कि पुलिस एफआईआर कर रही है इन केसेस में? इसमें सरकार के स्तर पे लगातार मंथली मीटिंग्स होती हैं और जो पुलिस अधिकारी वहां आते हैं उन्होंने एफआईआर के इंडिकेशंस दिए कि एफआईआर लॉन्च किया जा रहा है और उसके बाद उसकी विवेचना की जा रही है। लेकिन पवन जी, एक बात मैं आपका ध्यान और इस तरफ आकर्षित करूंगा और आपके मार्फत सभी का, कि इसमें समाज के सभी स्टेक होल्डर्स को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यदि कोई और सरकारी संस्था है उसकी दीवार पे किसी ने पोस्टर बैनर लगा दिया तो कॉरपोरेशन का इंतजार ना करें, उनके केयर टेकर खुद ही एफआईआर जाके दर्ज कराए। अगर स्कूल कॉलेज की बाउंड्रीज पे लगा दिया गया तो स्कूल कॉलेजेस को खुद ही एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, कॉरपोरेशन तो करेगी ही करेगी। लेकिन जब आप अपने आंख के सामने देख रहे हैं कि आपकी दीवार पे अगर किसी ने बैनर पोस्टर लगा दिया जो अनधिकृत है तो आपको थाने में जाके एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। जरूर, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। एक्चुअली और अगर इस स्तर पे होगा तभी आप इफेक्टिव रिजल्ट देखेंगे। करेक्ट, और जब ये होगा तभी हमारे दिमाग में, जो सिटीजन्स के दिमाग में एक डर भी होता है पुलिस का कि पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए गए तो कहीं ऐसा ना हो कि और भी ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप में फंस जाएं और भी तकलीफ हो, तो वो भी डर भी निकलेगा। जब वो जाएंगे पुलिस से इंटरेक्ट करेंगे तो डर भी निकलेगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूं, इसमें किसी भी सिटीजन को अगर उसकी दीवार पे लगा है बैनर पोस्टर जो अनधिकृत है या कहीं और देखा उसने बैनर पोस्टर जो अनधिकृत है और चाहता है कि इसमें कोई एक्शन हो, जैसे कर्नल साहब करते हैं, एक कैमरा ले, उस दिन के पेपर के साथ फोटो खींचे और उस फोटोग्राफ के साथ एफआईआर अपनी कंप्लेंट बना के थाने में लॉन्च कर दे, एक प्रूफ रहेगा। अच्छा आइडिया दिया कि उस दिन ये बैनर पोस्टर इस बिल्डिंग पे लगा हुआ था। इसी के बारे में बताना चाहता हूं कि हर एक के पास आज मोबाइल है करीबन और हर एक मोबाइल में कैमरा है, तो इनसे जो सिंपल काम है वो थोड़ा सा ये है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में जाना, फोटो खिंचाना, तो उसको फोटो को प्रिंट कराना थोड़ा सा समय लगता है। करेक्ट, लेकिन जो सबसे सिंपल है कि फोटो इसमें लेना, उसके बाद में उसको कैमरे में से कंप्यूटर में डालना और कंप्यूटर से जो वहां का डिप्टी कमिश्नर है उसको ईमेल कर देना, और हर एक डिप्टी कमिश्नर